ये मौसम ऐसे हो रहा है, सुबह के 8 बजे एकदम से अंधेरा होने लगा है। अभी देखिए कैसे हो रहा है, मतलब समझ नहीं रहा है। अभी धूप सी निकली हुई थी और अभी एकदम काला काला बादल और आंधी सब कुछ आना शुरू हो गया है। इधर से देखिए, बंद करती हूँ दरवाज़ा, नहीं तो बहुत तेज़ की आंधी आ रही है। और अभी बाबू सो के उठ चुका है तो मैं आज उसको पूरी नींद लेने दी। काफ़ी लेट उठा है क्योंकि काफ़ी टाइम से उसकी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है, तो थोड़ा सा बेटर फील कर रहा है पहले से, तो मैं उसको जगा ही नहीं सुबह सुबह। तो जैसे उसकी नींद खुली उसके अकॉर्डिंग वो उठा है, अब खुद से उठा है, मैंने उठाया नहीं। उसके बाद मैं उसको ब्रश करा रही हूँ और फिर उसने पहले ही बोल रखा था कि मम्मा मिल्क और कॉर्नफ्लेक्स चाहिए, तो मैं ज़्यादा मिल्क तो अभी उसको नहीं दे रही हूँ, थोड़ा सा ही मिल्क में मैं उसको कॉर्नफ्लेक्स डाल के दे दूँगी। और अभी मैं उसको बोली कि खुद से थोड़ी देर के लिए आप ब्रश करो, ताकि वो वैसे सीख गया है लेकिन हाँ बीच बीच में थोड़ा सा तो मैं कराती हूँ, खुद से अच्छे से क्लीन नहीं कर पाता है टीथ को, तो वो खुद से थोड़ी देर के लिए किया। उसके बाद टंग क्लीन वगैरह करा के उसका फेस वॉश कर दी एंड अभी मैं बोली कि बस आपके लिए लेके आती हूँ मैं मिल्क और कॉर्नफ्लेक्स। तो यहाँ पे अभी देखिए सोफ़ा का जो कवर है ना, ये कल मैंने वॉश कर दिया था, तो कुछ तो बाहर धूप में पड़ा हुआ है और कुछ पीछे, कुछ सूख गया था और कुछ नहीं सूखा है। दो बार में मैंने दो शिफ्ट में उसको वॉश किया था। अभी मैं बना रही हूँ उपमा, तो सूजी को मैंने भून लिया है, प्याज कड़ी पत्ता वगैरह सब कुछ इधर साइड में रखी हूँ और बर्तन भी वॉश हो चुका था। जो हमारी हाउस हेल्पर आई हुई थी वो सुबह सुबह आज आ गई थी, तो बस यहाँ पे प्याज और ये सब कुछ मैं भून ले रही हूँ। राई डाली थी, कड़ी पत्ता डाली हूँ, हरी मिर्च एक डाली हूँ मैं, इसमें ज़्यादा हरी मिर्च नहीं डाली हूँ। तो बस यहाँ पे उपमा भी थोड़ी देर में बन के रेडी होने वाला है। मटर मूंगफली ये सारा कुछ आजकल मैं अवॉइड कर रही हूँ, कुछ नहीं डालती हूँ, बस प्लेन चीज़ें। और अभी स्पर्श का मैं बोली कि सारे कलर अभी रखो क्योंकि वो लेके बैठा हुआ था कलर, और उसको मतलब पेंटिंग करने का बड़ा आजकल शौक था, पहले ये चीज़ नहीं था लेकिन 1 मंथ से ना उसके अंदर ये सारी चीज़ें आई है। उसकी जो चीज़ें हैं ना स्पर्श के अंदर, मतलब जो भी है ना वो चेंज होती रहती है, हालत कर दिया है नज़दीक से। आज मैं दिखाती हूँ कि ये करता क्या है। देखिए सारे कलर को ऐसे शार्पनर से ऐसे बारीक बारीक सा करके और ये गिराता है पूरे सोफे पे, इसने यही हाल किया है। ये देखिए इधर भी सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे। तो अब मैंने इसको क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा तो फिर फर्श भी गंदा होगा, और वैक्यूम क्लीनर आराम हो गया है अब इसकी गंदगी जो भी है ना, इधर उधर डस्ट फैलाता है, तो बस इसी से सारे साफ हो जाते हैं। देखिए कितनी ईजिली सारे, इतना गिरा है ना अभी, बस साफ हो जाएगा। तो अभी मैं सोफ़ा को वैक्यूम कर रही थी तो मैं स्पर्श से भी बोली कि आ जाओ आप भी करो, क्योंकि थोड़ा थोड़ा चीज़ों में बिजी रखो ना तो उसको भी अच्छा लगता है। तो बस उसको पता है कि हाँ सारे डस्ट वगैरह निकल जाएंगे, ये सारी मेरी ही बदमाशी है, लेकिन वो फिर जानबूझ के वो करता रहता है। तो मैं उससे भी करवा रही थी उसको पकड़ के कि ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, तो उसको भी अच्छा लग रहा था। उसके बाद सोफ़ा कवर मुझे डालना है और दो बार में वॉश करी, एक तो धूप में सूख गया था और एक जो मैं वॉश करी थी ना वो धोते धोते शाम हो गया था, तो इसी वजह से मैं उसको पीछे डाल रखी हूँ। इस फर्श को थोड़ा सा जुकाम भी हो गया अभी, लेकिन चलो कोई नहीं, अभी मेडिसिन खा रहा है तो हो सकता है जल्दी से ठीक हो जाए। तो बस यहाँ पे ये जो सोफ़ा है 3 सीटर वाला, ये अच्छे से इसका सारा डस्ट निकल गया, सारे कलर कलर ही भरे हुए थे। और उसके बाद अभी लंच भी मेरा बन रहा था बीच बीच में, तो मैं चावल और दाल इस टाइम पे बना रही हूँ, तो वो बन चुका है। बाकी का जो बर्तन थे उसको मैंने बास्केट में अभी डाल दिया है और फिर से मैं हॉल में आ गई हूँ क्योंकि सोफ़ा कवर मैं लेके आई हूँ, इसको मैं डाल रही हूँ। और इसको मैं भी बोली स्पर्श को मैं हेल्प करने के लिए, और क्योंकि वो हेल्प करता है थोड़ा सा लेकिन अच्छे से कर नहीं रहता। देखिए वो जो सोफ़ा कवर उसने डाल रखा है वो अच्छे से नहीं किया है। बहुत सारे इसके में चेंजेस अभी आए हैं जब हम घर गए थे उसके बाद से, मुझे बहुत ही ज़्यादा खटकता है कि मैं घर इसको क्यों लेके गई थी, नहीं जाना था। वैसे भी मैं आप लोगों से बता रही थी ना कि मुझे नहीं जाना है, लेकिन फिर भी इनकी जिद की वजह से मैं गई और मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं हुआ जब से मैं आई हूँ, और बहुत कुछ झेल भी रही हूँ तब से मैं झेल ही रही हूँ बस ऐसे, और बहुत ही ज़्यादा अपसेट रहती हूँ। ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें चलती है जो मैं आप लोगों को शेयर नहीं कर पाती हूँ, बहुत ही कम चीज़ें थोड़ी बहुत शेयर कर देती हूँ, नहीं तो कितना मतलब शेयर करने बैठूँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में। तो बस यहाँ पे मैं अभी स्पर्श देखिए बहुत ज़्यादा रो रहा था और वो भी रो रहा था दादा दादी के, लेकिन फिर मैंने उसको डांट के चुप कराया कि बिल्कुल याद नहीं करना है, याद करके तो कुछ होता नहीं है, और फिर सामने वाला अगर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता है तो फिर क्या मतलब है उसको रोने का बार बार याद करने का। इसी वजह से मैं छुड़ाती हूँ कि नहीं याद मत करो,
और यहाँ पे सोफ़ा कवर वगैरह सब कुछ मैंने अभी डाल दिया है। और इधर इसके सारे बुक्स कॉपी सारे कुछ बिखरे हुए थे टेबल पे, तो ये सब भी मुझे समेटना है। और ये करते करते हो गया था दोपहर का टाइम और लंच बन रहा है, तो ये सब करूँगी ना उसके बाद हम लोग खाएंगे खाना। और इस पर सभी बैठ गया है क्योंकि कोई भी बेड शीट सोफ़ा कवर कुछ भी बिछाओ तो वो ऐसा लगता है ना कि हाँ एकदम फ्रेश। कॉफ़ी खाए उस टॉफी से पहले क्या खाए? दाई खाए, दवाई, दवा, मेडिसिन। और स्पोर्ट्स के साथ एक नई चीज़ शुरू हुई है, इससे पहले हम कभी भी मतलब अभी इसकी तबीयत ज़्यादा दिन से ख़राब हो गई ना, कम से कम 10 दिन, आई थिंक लास्ट मंडे नाइट से मतलब 10 दिन हो चुके हैं इसकी तबीयत, फिंगर निकाल लो, 10 दिन हो चुके हैं इसकी तबीयत ख़राब हुई। लेकिन इसका जो फीवर था वो तो उतर गया था, लेकिन इसका जो पेट था ना, स्पर्श नहीं करते, पेट दर्द एंड जो इसका पेट था वो सही नहीं हो रहा था। तो इसके लिए अभी हमने मतलब इसके लिए नई चीज़ है। हाँ बोलो क्या? ट्यूशन पढ़ूंगा, ट्यूशन पढ़ना थोड़ी देर बाद देगी, ट्यूशन पढ़ने के लिए भी एकदम एक्साइटेड रहता है। तो इसके लिए नई चीज़ क्या शुरू हुई है, ये बहुत ज़्यादा पहले तो मेरी दवाइयाँ लेके कई बार इसने मुंह में डालता है, कड़वा लगता है तो फेंक देता है, लेकिन नई चीज़ ये है कि हम इसको आप से मतलब कल से टैबलेट देना स्टार्ट किए हैं। जो हम खाते हैं उसमें से हाफ जितना भी इसका है मतलब वेट के अकॉर्डिंग ही देना रहता है, क्योंकि जो सिरप हम देते थे ना डॉक्टर से हम बात किए, 10 ml से ज़्यादा देना पड़ेगा तभी ये काम करेगा। इसी वजह से इसका ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि डोज ज़्यादा चाहिए, वेट के अकॉर्डिंग डोज देना पड़ता है। तो इसका वेट है तो उसके अकॉर्डिंग हम डोज नहीं दे रहे थे, तो अभी हम ये देना शुरू किए हैं कल से। होप आज ठीक हो जाए, अगर आज ठीक हो जाएगा ना कल वेट करूँगी, परसों से मैं इसको स्कूल भेजूँगी। और आज कौन सा दिन है, कौन सा डे है स्पर्श? छठा डे है। छठा डे कहाँ है? आज है, कौन सा डे है? आज है, आज कौन सा डे है स्पर्श? छठा डे। छठा डे नहीं है, आज है वेडनेसडे है। अभी दोपहर का टाइम, हमारा अभी लंच हो चुका है। स्पर्श को सबसे पहले अभी जब से इसकी तबीयत खराब हुई है तो इसको मैं अपने साथ नहीं खिलाती हूँ, नहीं तो मोस्टली मेरे साथ ही दोपहर के टाइम मेरे साथ ही खाता है, लेकिन अभी जब से इसकी तबीयत खराब हुई है थोड़ा सा खांसी भी है तो इसको पहले मैं खिला देती हूँ, उसके बाद मैं बैठ के खाती हूँ। और वो मेरा लेके आना डॉक्टर वाला वो फाइल लेके आना, और डाइट चार्ट वाला मैं अभी फाइल निकाली लेके आओ, हाँ डॉक्टर वाला वो फाइल लेके आना, तो उसके बाद मैं खाती हूँ। लंच अभी मेरा हो चुका है, उसके बाद स्पर्श को मैं अभी अभी दवाई खिलाई। दवाई खिलाने के बाद हमने पता है दवाई खाने के तुरंत बाद इसकी लालच की, इससे इसकी लालच दे के टॉफी की वजह से, और हम लोग इसको दवाई खिलाते हैं। तो ये रहा मेरा का निकालना है कि डाइट चार्ट एक्चुअली मुझे ना सेंड करना है, इसीलिए अब क्या करेंगे, रेस्ट करेंगे ना स्पर्श। हाँ मम्मा का डाइट चार्ट कहाँ है? टॉफी था, टॉफी एक खाए हो ना, जब दवा खाते हैं तो एक टॉफी मिलता है स्पर्श को। तो बाबू जल्दी से ठीक हो जाओ, बहुत दिन से हो गया ना, मम्मा भी परेशान हो गई है, स्पर्श भी परेशान हो गया है ना। हाँ और स्पर्श को कहाँ आज क्या बोलो, कुछ बोलोगे? ट्यूशन पढ़ूंगा स्पर्श, ठीक है थोड़ी देर बाद ट्यूशन पढ़ना, उससे पहले सो जाओ, उसके बाद फिर पापा आ जाएंगे। पापा तो 4 बजे आ जाएंगे ना, 4 बजे से पहले भी आते हैं कई बार, 4 बजे मतलब टाइम का कुछ फिक्स नहीं है। अभी हो चुका है शाम का टाइम, मतलब शाम का नहीं रात का टाइम, आई थिंक 7:30 8 बजे के बाद का टाइम है। और मैं अभी आ गई हूँ खाना बनाने के लिए, और अभी सब्जी बनाने जा रही हूँ, उसके बाद फिर मैं आटा गूंथूंगी। काफ़ी इस टाइम पे मैं शाम से परेशान थी यार, अब वो सब चीज़ शेयर नहीं करूँगी मैं। तो यहाँ पे मैं बड़ी जो होती है ना दाल वाली बड़ी, और मैं तरोई की सब्जी बना रही हूँ, तो तोरी बोलते हैं ना, हाँ इसको हम नेनुआ भी बोलते हैं, तो इसकी सब्ज़ी बना रही हूँ। मस्टर्ड ऑयल डाल दूँ, सबसे पहले जो बढ़िया है ना इसको मैं फ्राई कर लूँगी उसी ऑयल में, मतलब डीप फ्राई नहीं करूँगी, थोड़ा सा डाल के ऑयल और इसमें भून लूँगी, थोड़ा सा रेडिश कर लूँगी, देन उसको पानी में डाल दूँगी फिर मैं। तो बस यही अभी सब्ज़ी बनाऊँगी और फटाफट से आटा गूंद के रोटी भी बनाना है, तो अभी रोटी बनाऊँगी नहीं, आटा गूंद के रख दूँगी मैं। साथ ही साथ अभी मुझे छीलना था लहसुन, क्योंकि लहसुन अगर मैं छील के रख के रखती हूँ फ्रिज में तो बहुत इजी होता है मुझे सब्ज़ी बनाना, बट मन नहीं कर रहा था, 2-4 दिन से है ही नहीं फ्रिज में,
तो बस यहाँ पे बढ़िया भी अच्छी तरीके से रेडिश हो चुकी है, उसको मैंने डायरेक्ट पानी में निकाल के डाल दिया क्योंकि ये बनाने के बाद भी ना हार्ड ही रहता है, इसी वजह से मैंने पानी में डाला है। देन हरी मिर्च, जीरा, लहसुन ये सारा चीज़ डाल दूँगी, तड़का लगा दूँगी। उसके बाद फिर यहाँ पर कट कर रही हूँ मैं प्याज, और प्याज डाल के भून लूँगी। तो बस उसके बाद तोरी बनाना है, तो उसके यहीं पर मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, उससे ज़्यादा फिर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। तो बाय, टेक केयर, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब।